Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. In this video, the topic is Human Eye and the Colorful World. So let's start with the video. So human eye, when we talk about what is human eye, it is an organ which enables us to see the objects clearly. वो organ है जो कि हमें किसी भी object को clearly देखने के लिए help करता है. Then ये कहाँ located होता है? ये हमारे skull में located होता है, in the eye socket. It is located in the skull, in the eye socket. Then it works on the phenomena of refraction of light. So our eyes have a lens and that lens is convex lens. और क्योंकि lens है तो light आएगी और bend होगी और वो bending जो है उसी की वजह से हमें मतलब हमारे आईज में एक इमेज बनती है एंड वी आर एबल टू सी वट एवर वी सी. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है ये हमारे इसमें आईज में होता है. अब देखिए पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई क्या क्या है. सबसे पहले आता है कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया है आपका आउटर मोस्ट लेयर. ये वाली जो आप लेयर देख रहे हो, ये वाइट वाली, ये ब्लू कलर की जो मार्क्ड है इसमें, ये वाली लेयर है दिस लेयर इज कॉर्निया. सो वी कैन से दैट कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर. कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है. लाइट इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही एंटर करती है. सो लाइट एंटर्स थ्रू दिस मेम्ब्रेन. देन क्रिस्टलाइन लेंस. लेंस जो है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है. ये है आपका क्रिस्टलाइन लेंस. ये वाला पोर्शन इज द क्रिस्टलाइन लेंस. ओके, नाउ दिस लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल. इसमें एक फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल का बना होता है ये कॉन्वेक्स लेंस. इट प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. जो रेटिना की मतलब फोकस्ड और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है वो हमें दिखाई देती है, वो फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ दिस लेंस. देन नेक्स्ट आइरिस. आइरिस आपके आईज का वो पोर्शन होता है जिसे आप कलर समझते हैं आँखों का, कि किसी की आँखें ब्लैक है तो किसी की ब्राउन है, किसी की थोड़ा सी ब्लू कलर है. तो ये जो आप कलर देख पाते हैं, दिस कलर इज बिकॉज ऑफ इज बेसिकली दैट आयरिस. तो आयरिस क्या है? एक डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम है जो कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है और ये क्या करता है? साइज ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करता है. तो अगर आप आयरिस को ध्यान से देखेंगे तो आयरिस के अंदर, ये आपकी आंखों का कलर है, तो आयरिस के अंदर एक छोटा सा सर्कल होता है. दैट छोटा सर्कल इज प्यूपिल एंड द बड़ा सर्कल इज आयरिस. तो प्यूपिल जो है उसके साइज को ये कंट्रोल करता है आयरिस आपका, ठीक है. अब आ जाता है प्यूपिल कि ऐसा क्या है जो उसके साइज को कंट्रोल करने की जरूरत है. सी, इट इज अ स्मॉल होल बिटवीन द आयरिस थ्रू विच द लाइट एंटर्स. जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है. अब डिम लाइट में क्या होता है? जो आपका आयरिस मसल्स है इट ओपन्स अप कम्प्लीटली ड्यू टू एक्सपेंशन. तो प्यूपिल जो है ना वो थोड़ा बड़ा हो जाता है जब हम बहुत कम लाइट में होते हैं. तो हम ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखने की कोशिश करते हैं जब डिम लाइट होती है तो, और जब एकदम से बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारी आंखें एकदम ऐसे बंद सी हो जाती हैं. तो वाई? बिकॉज ब्राइट लाइट में क्या होता है, हमारी आई स्मॉल हो जाती है बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन होता है आयरिस मसल्स का. तो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आयरिस मसल्स का, यही प्यूपिल के अंदर कितना लाइट एंटर करेगा ना उसके उसको डिसाइड कर रहा है कि जितना लाइट एंटर करेगा, मतलब क्योंकि डिम लाइट है, मान लो अंधेरा है तो हमें और ज़्यादा लाइट चाहिए, तो हम और आंखें बड़ी बड़ी करके देखेंगे ताकि मोर लाइट कैन एंटर इनटू आवर प्यूपिल. और अगर बहुत लाइट एकदम से है तो उतना लाइट एकदम से हमें आँख पे चुभेगी तो हम कम कोशिश करेंगे कम लाइट एंटर करें. तो आयरिस उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से कि प्यूपिल का साइज कम होता है और कम से कम लाइट हमारी आँखों में जा पाती है. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. देन सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स जो हैं वो लेंस को होल्ड करके रखते हैं. यहाँ पे होते हैं आपके सिलियरी मसल्स, ये हैं सिलियरी मसल्स.
एंड दे बेसिकली होल्ड द आई लेंस, ये आई लेंस को जगह पे टिका के रखते हैं, और एज के साथ सिलियरी मसल्स वीक भी हो जाते हैं, तो ये हैं आपके. देन रेटिना, रेटिना एक स्क्रीन है आपके आई की जिसके ऊपर की इमेज फॉर्म होती है. सो इट इज़ बेसिकली अ डेलिकेट लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड. देन इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स. रेटिना में दो सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स जो हैं वो सेल्स हैं जिसकी वजह से नॉक्टर्नल एनिमल्स जो होते हैं ना, जिन्हें रात में जो प्रे करते हैं, रात में जो शिकार ढूंढते हैं, उन्हें रात में ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है, तो वो उनके अंदर रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं. और कोन्स की अगर बात की जाए तो कोन्स जो है वो कलर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. तो रॉड्स, र से रात और र से रॉड्स, और कोन्स सी से कोन्स एंड सी से कलर. ठीक है, तो कलर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कोन्स चाहिए. तो दिन में जिनको दिखता है वो कोन्स वाले हैं, उनके अंदर ज़्यादा कोन्स प्रेजेंट है. और जिन्हें रात में क्लियरली विजन होता है, जैसे बैट्स हो गए, उल्लू हो गया, तो ये सब आपके रॉड्स वाले हो गए. देन आ जाता है ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ये मैसेज को सेंड करता है ब्रेन के पास. जो भी हमारे रेटिना में बना है ना, उसको ये, मतलब जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमने देखा है, उसको ये भेजता है ब्रेन के पास, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि हमने पहले कभी देखा है या नहीं, हमें इसके बारे में पता है या नहीं, या कोई नई चीज़ है. ठीक है, तो इट ट्रांसमिट्स द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन. देन ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ से कि आपका ऑप्टिक नर्व आई को छोड़ता है. वहाँ पे ना तो कोई रॉड्स होते हैं, ना तो कोई कोन्स होते हैं, और इमेज जो है वो भी ब्रेन के पास, यहाँ पे बनने वाली इमेज ब्रेन के पास नहीं जाती है. तो जिन लोगों का, जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनके, उनका एक ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो इमेज है वो ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है. और प्रॉब्लम ये है कि ब्लाइंड स्पॉट पे बनने वाली इमेज इट इज़ नॉट सेंड टू द ब्रेन, सो वो उन्हें दिखता नहीं है, तो वो ये रीज़न होता है. एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर क्या चीज़ है, एक्वस, देखिए हमारा आईज ना हमेशा लिक्विड ही रहता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड रहता है. सो दैट फ्लूइड इज़ नोन एज एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर. बट फ्लूइड अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, और जहाँ पे जो फ्लूइड है उसके हिसाब से उसका नाम है. जैसे कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो फ्लूइड है, कॉर्निया यानी आउटर मोस्ट लेयर और आई लेंस के बीच में जो फ्लूइड है उसको कहते हैं हम एक्वस ह्यूमर. ठीक है, जिसके कारण लाइट रेटिना पे फोकस करती है. विट्रस ह्यूमर क्या होता है, जो आई लेंस और रेटिना है, आई लेंस और रेटिना उसके बीच में जो लिक्विड है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देख लीजिए, शायद समझ आ जाए. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक्वस ह्यूमर दिखाई देगा. ये रहा कॉर्निया और ये रहा आई लेंस, तो इसके बीच का जो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें जो मीडियम होगा, जेली लाइक सब्सटेंस, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. और ये रहा आई लेंस और ये रहा रेटिना, इसके बीच में जो ये वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो आपका विट्रस ह्यूमर. ठीक है, नेक्स्ट नियर पॉइंट. नियर पॉइंट क्या होता है, तो ये हमारे आई के पोर्शन हो गए, आई के इतने ही पार्ट्स हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए. देन उसके बाद आ जाता है नियर पॉइंट. सी नियर पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम पॉइंट जहाँ तक कि हमें दिख सकता है बिना किसी स्ट्रेस के, आँखों पे जोर ना पड़े, तो आँखों पे जोर ना पड़ के द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, नियर पॉइंट. एंड सिमिलरली फार पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आईज. बिना किसी दिक्कत के आँखों में अगर आप देख सकते हैं जितनी दूर तक, दैट इज योर फार पॉइंट. ठीक है, तो अगर किसी एडल्ट की बात करें तो नियर पॉइंट किसी एडल्ट ह्यूमन का होता है 25 सेंटीमीटर, एंड फार पॉइंट जो है वो होता है इन्फिनिटी. ठीक है, देन परसिस्टेंस ऑफ विजन. परसिस्टेंस ऑफ, देखिए परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टिके रहना. तो यहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब है, कितने टाइम तक के लिए आपका जो इमेज है वो रेटिना पे रहता है, उसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. द टाइम फॉर विच द सेंसेशन और इम्प्रेशन of an object continues in the eye is called persistence of vision. जितनी देर तक की आपको image दिखाई दे रही है
आपकी रेटिना पे इमेज बन रही है उसको ही बोलते हैं हम परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। देन कम्स अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एड। देखिए हम क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी हमें कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, आँखें ऐसे छोटी करके और फिर कोशिश करते हैं उसको रीड करने की, बड़ी आँखें करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी गेट सम क्लैरिटी। ये चश्मे वाले ज़्यादा समझ पाएंगे, बिना चश्मे के हम अक्सर कभी कभार ऐसा करते हैं दैट वी डू लाइक थिंग्स लाइक ऐसे करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब दिख रहा है या नहीं, मतलब दिख रहा है चश्मा नहीं लगाए बिना, तो वो चेक करते हैं। तो वही जो हम करते हैं ना ऐसा छोटी आँखें करके, दैट इज़ बेसिकली वी आर एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। तो वही एडजस्टमेंट जो होता है ना फोकल लेंथ का, कितना हो सकता है, तो उसी को, ये जो हमारी एबिलिटी है ऐसा करने की, इसको कहते हैं अकोमोडेशन, और कितना ये किया जा सकता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। द मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ एन आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट रेटिना, ठीक है। हम कितना मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं कि भैया ऐसे दिख जाए हमें, कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं फोकल लेंथ को, तो वही होती है पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो कि नॉर्मल एडल्ट की 4 डायोप्टर होती है, ठीक है। और देखिए एकोमोडेशन इज़ द एबिलिटी, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, इट इज़ द बेसिकली द वेरिएशन इन पावर, द डिफरेंस या द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच वी कैन एडजस्ट आवर फोकल लेंथ, वो आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन है। जो डिफरेंस है दोनों में, एकोमोडेशन प्रॉपर्टी है और पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारी कैपेसिटी, नहीं बेसिकली कितना हम मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं उसको बोलते हैं। देन डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, क्या क्या आँखों का प्रॉब्लम होता है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है वो देखते हैं। डिफेक्ट्स क्या क्या है हमारे, जिसके हम ऑब्जेक्ट जब हम नहीं देख सकते क्लियरली उसी को हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहेंगे। तो मेन डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, मेन डिफेक्ट्स हमारे होते हैं बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। नाउ मायोपिया क्या होता है, देखिए मायोपिया में हमें दूर का नहीं दिखाई देता है, तो हम इसको मायोपिया में पास का क्लियर विजन होता है, तो अगर पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है तो वी कॉल इट एज नियर साइटेडनेस, क्योंकि मायोपिया है मतलब पास का साइट ठीक है, तो नियर साइटेडनेस, ठीक है। अब ये वो पर्सन होते हैं जो कि क्लियरली दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और इसका रीज़न क्या क्या होता है, क्योंकि देखिए आप इसका डायग्राम देखिए तो आप कॉजेज समझ पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको जब हम देखते हैं, नॉर्मली जब कोई ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसकी इमेज आती है लेंस से, जाती है और सीधा रेटिना पे फॉर्म करती है, तो इट इज़ अ नॉर्मल केस जिसमें जो होना चाहिए। बट अगर कोई पर्सन मायोपिक है तो क्या होता है, जब वो ऑब्जेक्ट से रे आती है तो वो ना पहले ही मर्ज कर जाती है, विट्रस ह्यूमर में ही वो मीट कर जाती है रेज, इसका मतलब इमेज यहाँ बन रही है, इमेज फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन अगर विट्रस ह्यूमर में हो रहा है तो हमें थोड़ी दिखाई देगा, हमें तो दिखेगा जब रेटिना पे होगा, या दिखेगा भी तो ब्लर्ड दिखेगा, थोड़ा ब्लर इफेक्ट आएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम चश्मा लगाने जाते हैं तो वो जो वो हमारे टेस्ट करते हैं कौन कौन सा नंबर आपको जम रहा है, तो वो चेकिंग जो वो करते हैं वो बेसिकली इसी फोकल लेंथ को चेक कर रहे हैं कि किस पे किस कौन सा पावर लगाने पे आपका इमेज जो है वो खिसक के रेटिना पे पहुँचेगा, तो वो ही आपका वापस हम यहाँ पे रेटिना पे पहुँचाते हैं। और जो लेंस वो यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉनकेव लेंस फॉर अ मायोपिक पर्सन, मायोपिक पर्सन के लिए जो लेंस यूज़ होता है दैट इज़ अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है क्योंकि कॉनकेव लेंस से देखो क्या होगा, यहाँ पे ये रेज जो है ये थोड़ी ब्रॉड हो जाएंगी, क्योंकि भाई कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है नेचर में, तो ये फिर ना मर्ज करेंगी दूर में जाके। अब दूर में फिर हम डिफरेंट डिफरेंट लेंस पावर की लेंस लगा के देखते हैं, कभी यहाँ पे मर्ज कर दी है, कभी फिर यहाँ पे कर रही है, कभी यहाँ पे कर रही है, तो डिपेंडिंग ऑन दी पावर ऑफ लेंस फिर उसको हम रेटिना पे खिसकाते हैं। बट कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस ही यूज़ किया जाता है फॉर ए मायोपिक पर्सन, क्योंकि देखिए दो रेज आई ऐसे मर्ज कर गई, तो हम क्या करेंगे, पहले दो रेज लाएंगे, बीच में एक लेंस लगाएंगे जिससे वो थोड़ी डाइवर्ज कर जाए, अब डाइवर्ज करेगी तो वो दूर में जाके मीट करेगी, तो ये जो प्रॉब्लम है पहले ही मीट कर जा रही है ना रे, तो इसको थोड़ा मतलब ये ठीक करता है इस विजन को।
तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आप कह सकते हैं कि हमारा आई बॉल एक्सपैंड कर गया है, ठीक है, इस वजह से, तो डिक्री यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये रीजन हो सकते हैं कि आपका जो मतलब मीटिंग पॉइंट है दोनों रेज का, जो रेज आ रही है उसका मीटिंग पॉइंट पहले ही आ गया है, ठीक है, या फिर हमारा फोकल लेंथ ही कम हो गया है इसीलिए रे पहले ही मीट कर जा रही है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन इसीलिए जनरली जो मतलब मायोपिक पर्सन होता है उसका चश्मा उतरना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज उनका इलोंगेट हो गया ना आई बॉल, तो उसका साइज कम होना नेचुरली इज अ बिट डिफिकल्ट, तो इस वजह से चश्मा उतरता नहीं है जल्दी। रेमेडी क्या होती है? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस यूज करके बताया आपको, क्योंकि उसमें रे डाइवर्ज करेगी तो देर से मीट करेगी। देन आता है हाइपरमेट्रोपिया, और क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता है तो इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस, दूर का दिख रहा है, ठीक है, इसमें पर्सन जो है पास का नहीं देख पाता है, अ पर्सन कांट क्लियरली सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो इमेज है नॉर्मल आई, आपको पता ही है नॉर्मल आई में क्या होता है, नॉर्मल आई में आपकी इमेज रेटिना पे बनती है, विच इज़ फाइन, लेकिन उसके बाद क्या है यहाँ पे जो हाइपर मेट्रोपिया वाला केस होता है ना, उसमें इमेज आपकी पीछे बनती है, रेटिना के भी पीछे बनती है, तो रेटिना के पीछे भी अगर इमेज बन रही है तो आपको कैसे दिखेगा वो, रेटिना पे तो बन नहीं रहा है, तो आपके बारे में ऐसा लेंस चाहिए जो इमेज को देर से मीट करा रहा है ना, रेज को पहले ही मीट करा दे। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज़, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करने जा रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज जो है ना वो पहले ही कन्वर्ज, वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो कन्वर्जिंग लेंस है तो क्या होगी, रे जो है जैसे एक लेंस आई, एक आपकी हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा दी चश्मे वाली, ठीक है, फिर आई लेंस है वो भी चश्मे वाला, तो अब जो रे आएगी दूर से तो पहले तो ये यहीं कन्वर्ज कर जाएगी, फिर ये दोबारा कन्वर्ज करेगी, तो अब क्या होगा, जो रे पहले दूर में मीट कर रही थी, जो रे पहले मान लो अगर पहले वाला केस था नॉर्मल ह्यूमन आई थी और ये रे जो है वो दूर में जाके मीट कर रही थी, तो क्योंकि यहाँ पे पहले ही रे थोड़ी छोटी हो गई है, कन्वर्ज कर गई है, तो उस वजह से वो जल्दी मीट कर जाएगी, तो और फिर वो कब मीट करेगी, दैट इज़ डिसाइडेड बाय अगेन द पावर ऑफ द लेंस, जो वो चेक करते रहते हैं शीशा चेंज कर करके। तो ये होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आई बॉल हमारा मे बी थोड़ा सा श्रिंक कर गया है, ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो बड़ी हो गई है इमेज की, फोकल लेंथ आई की बड़ी हो गई है, या फिर हमारा आई लेंथ जो आई बॉल है वो श्रिंक कर गया है, तो ये कॉजेज हो सकते हैं। और रेमेडी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया वो डिफेक्ट होता है जिसमें पर्सन जो है वो क्लियरली नहीं देख पाता है, ना दूर की चीज़ें क्लियरली ना पास की चीज़ें क्लियरली, और ये जो है एज के साथ होता है जनरली, जब हमारे सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, जब हमें आई लेंस जो है मतलब वो अपनी जगह पे नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें जनरली प्रेस बायोपिया में होता है। रेमेडी क्या है इसका, इसमें हमें दोनों नहीं दिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली बाइफोकल लेंस जो है वो ज़रूरी होता है, दोनों मिक्स करके इसमें लगाया जाता है। पहले ये चश्मे आते थे तो इसके अंदर एक सेमी सर्कल सा बना होता था, अब तो प्रेस बायोपिया का आता है ना वो वाला लेंस आता है, कुछ तो बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से अभी एकदम ही स्लिप कर गया, क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव लेंस, हाँ प्रोग्रेसिव लेंस जो है वो होता है, तो उसमें अब वो सेमी सर्कल वाला हिसाब किताब नहीं है, नॉर्मल लेंस होता है, नॉर्मल चश्मे जैसा होता है, दोनों मिक्स्ड होते हैं उसमें। तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ आईज एंड देयर डिफेक्ट्स, ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोना डिस्कस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये सब देखेंगे कैसे होता है क्या होता है। सो या आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में आप डाउट्स डाल सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।